कई अलग अलग छोटे पार्ट से एक कार को मैन्युफैक्चर किया जाता है। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है इंजन। जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हमारा दिल है, उतना ही इम्पॉर्टेंट कार के लिए उसका इंजन होता है। एक कार का इंजन ही डिसाइड करता है कि कार कितनी पावरफुल हो सकती है। जितना ज़्यादा सीसी का इंजन होगा, उतना ही कार पावरफुल होगी। इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की यही कोशिश रहती है कि वो कम से कम साइज़ के इंजन में ज़्यादा से ज़्यादा कार की पावर निकाले। इसलिए कंपनीज ने कई अलग अलग डिज़ाइन और स्ट्रक्चर्स के इंजन डेवलप किए, जिनके कई अलग अलग एप्लीकेशंस है। तो कौन से है वो इंजन के टाइप्स और क्या है उनका यूज़, आइए देखते हैं। एक इंजन कई अलग छोटे छोटे कंपोनेंट से बना होता है, जैसे कि पिस्टन, सिलेंडर, कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट और कई अनगिनत छोटे पार्ट्स। सिलेंडर के अंदर पिस्टन के अप डाउन मूवमेंट होने से इंजन में पावर प्रोड्यूस होती है। जितने ज़्यादा ये सिलेंडर्स होते हैं, उतनी ही ज़्यादा इंजन की कैपेसिटी होती है। अगर एक इंजन में सिर्फ एक ही सिलेंडर और पिस्टन हो तो उसे सिंगल सिलेंडर इंजन कहा जाता है। सिंगल सिलेंडर इंजन जनरली स्कूटी और कम सीसी के बाइक्स में यूज़ होता है। सीसी का मतलब है क्यूबिक कैपेसिटी। जितने बड़े साइज का ये पिस्टन और सिलेंडर होगा, उतनी ही ज़्यादा सीसी का एक इंजन होगा। सिंगल सिलेंडर इंजन्स ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, जिनके कारण वो क्विक एक्सेलरेशन बाइक्स में यूज़ होते हैं। हीरो स्प्लेंडर, पैशन, एक्टिवा, जुपिटर, इन सारे टू व्हीलर्स में सिंगल सिलेंडर इंजन का यूज़ होता है। अगले है ट्विन सिलेंडर इंजन्स। ट्विन सिलेंडर इंजन्स में सिलेंडर्स एक दूसरे के साइड में लगे होते हैं। ट्विन सिलेंडर इंजन्स बहुत ज़्यादा आरपीएम पर चलने के काबिल होते हैं, जिनके कारण इन्हें स्पोर्ट्स बाइक में यूज़ किया जाता है। कभी आपने ध्यान दिया है, दो अलग अलग बाइक्स का इंजन सेम कैपेसिटी का है, मगर एक बाइक में ज़्यादा पावर होती है और दूसरे बाइक में कम। हो सकता है कि एक बाइक में ट्विन सिलेंडर इंजन यूज़ किया होगा और दूसरे बाइक में सिंगल सिलेंडर इंजन। अगर एक सिंगल बड़े सिलेंडर को दो छोटे छोटे सिलेंडर से रिप्लेस किया जाए, तो कम वाइब्रेशंस होने के कारण ये पिस्टन हाई आरपीएम तक रोटेट हो सकते हैं, जिसके कारण एक बाइक या कार का पावर इंक्रीज किया जा सकता है। ट्विन सिलेंडर इंजन हमें 300 सीसी से लेकर 800 सीसी के बाइक्स में देखने मिलते हैं। नेक्स्ट है इनलाइन इंजन्स। अगर हम 3, 4 या उससे ज़्यादा सिलेंडर्स को एक लाइन में अरेंज करें, तो उसे इनलाइन इंजन्स कहा जाता है। इनलाइन इंजन्स वी इंजन्स के मुकाबले मैन्युफैक्चर करने में थोड़े आसान होते हैं। इन इंजन्स में ओवरहीटिंग के इश्यूज भी ज़्यादा नहीं आते। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होने के कारण इनलाइन इंजन्स सस्ते होते हैं। इनके डिज़ाइन के कारण इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा हाई होता है, जिसके कारण ये स्पोर्ट्स कार में जनरली नहीं यूज़ होते। लगभग सभी इंडियन कार्स में इनलाइन 3 और इनलाइन 4 सिलेंडर यूज़ किया जाता है। छोटे कार्स जैसे कि ऑल्टो, सेलेरियो और वैगनर, इनमें इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन यूज़ किया जाता है। और बड़े एसयूवी कार्स जैसे कि टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर, महिंद्रा एक्सयूवी 700, इनमें इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वी इंजन्स। वी इंजन्स में सिलेंडर का अरेंजमेंट कुछ इस तरह किया जाता है कि अगर हम उन्हें साइड से देखें तो हमें वी शेप नज़र आता है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के कारण इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत कम होता है, जिसके वजह से इन्हें स्पोर्ट्स कार में यूज़ किया जाता है। V2 और V4 इंजन कुछ स्पोर्ट्स बाइक में भी यूज़ किया जाता है। डुकाटी पानी गाले V4 फेमस है अपने V4 इंजन के लिए। V2, V4, V6, V8, V10, V12, V16, V18, V24 इतने V इंजन मैन्युफैक्चर किए गए हैं, लेकिन स्पोर्ट्स कार में जनरली V6, V8, V10 और V12 इतने ही इंजन यूज़ किए जाते हैं। लैम्बोर्गिनी उरुस एक SUV है जिसमें V8 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार जैसे कि लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर, इसमें V10 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। V12 इंजन फरारी के 812 सुपर फास्ट में यूज़ किया गया है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होने के कारण ये इंजन्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। अगले है फ्लैट इंजन्स। फ्लैट इंजन्स में सिलेंडर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं और इन दोनों में 180 डिग्री का एंगल होता है। फ्लैट इंजन्स में दोनों पिस्टन एक क्रैंक पिन से कनेक्ट होते हैं, जिसके कारण अगर एक पिस्टन अंदर की तरफ मूव होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ मूव होगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये इंजन्स बहुत कम वाइब्रेट होते हैं, जिसके कारण गाड़ी भी बहुत कम नॉइज करती है। अपने डिज़ाइन के कारण ये कार में बहुत स्पेस लेते हैं और इनको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। अगले नंबर पे है बॉक्सर इंजन्स। बॉक्सर इंजन्स फ्लैट इंजन्स की तरह ही होते हैं, बस इनमें फर्क ये है कि फ्लैट इंजन्स में दोनों पिस्टन एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं, बल्कि बॉक्सर इंजन्स में दोनों पिस्टन अलग अलग डायरेक्शन में मूव होते हैं। पोर्श, सुबारू, टोयोटा, BMW ये कुछ फेमस कंपनियां हैं जो बॉक्सर इंजन्स बनाती है। W इंजन्स।
इस टाइप के इंजन में 3 से 4 सिलेंडर एक ही क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसको अगर हम साइड से देखें तो ये W शेप जैसे दिखते हैं। W इंजन की खास बात ये है कि ये बाकी इंजन के मुकाबले कम स्पेस में ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, इसलिए स्पोर्ट्स कार कंपनीज इन जैसे इंजन्स का इस्तेमाल करती है। बुगाटी शिरोन जो कि करंटली फास्टेस्ट प्रोडक्शन कार है, वो भी W16 इंजन का इस्तेमाल करती है। W इंजन्स 3, 6, 8, 12 और 16 सिलेंडर्स में आते हैं। वैंकल रोटरी इंजन, इन इंजिन्स में पिस्टन सिलेंडर नहीं बल्कि एक रोटर यूज़ किया गया है जो अपने सर्कुलर मोशन से पावर प्रोड्यूस करता है। इन इंजिन्स में बहुत ही कम मूविंग पार्ट्स होने के कारण ये इंजिन्स बहुत स्मूथ चलते हैं। ये इंजिन्स डिज़ाइन में कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ बहुत ही हल्के होते हैं, मगर इनका डिसएडवांटेज ये है कि इनको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। अपने कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स के कारण ये इंजिन्स ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। माजदा जो कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके RX-8 मॉडल में इस इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये थे कुछ इंजन के फेमस स्ट्रक्चर्स और डिज़ाइंस जो कि कार में यूज़ किए जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।